अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान जाबिर और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर जोन। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कॉपीराइट क्लेम के बारे में। जो भी यूट्यूबर हैं तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट आ जाता है, आप किसी का कोई सॉन्ग यूज़ करते हैं या कोई भी पार्ट यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो आप कॉपीराइट क्लेम को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, यही आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ इस बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जो ही नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने गूगल क्रोम या कोई भी अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले करना क्या, आपने यहाँ से अपने जीमेल के ऑप्शन पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे जो यूट्यूब स्टूडियो है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपका जो चैनल का डैशबोर्ड है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चैनल डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपने करना क्या है, आपके सामने यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, वीडियो का ऑप्शन शो हो रहा होगा और कोई चैनल हो गए वहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी वीडियो होंगी यूट्यूब पे अपलोड हुई तो सारी वीडियो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फिल्टर, फिल्टर के साथ यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। तो आपने सिंपल करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम, तो आपने कॉपीराइट क्लेम के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जो ही कॉपीराइट क्लेम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी वीडियो होंगी कॉपीराइट क्लेम वाली, तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम वाली जो आपकी वीडियो है तो यहाँ पे सारी आ जाएंगी। तो आपने करना क्या, आपने कॉपीराइट को रिमूव करना है। तो आपने सिंपल करना क्या होगा, जो भी वीडियो की कॉपीराइट है तो आपने यहाँ से रिमूव करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियो है क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेटस अपलोड करता हूँ, तो स्टेटस पे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं एक वीडियो पे कॉपीराइट रिमूव करूँगा, तो यहाँ से मैं एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो आपने वीडियो को ओपन करना है तो आप यहाँ पे जो डिटेल है ये सारी आ जाएगी। तो आपने यहाँ से बैक चले जाना है, यहाँ पे आपने करना क्या है, जिस भी वीडियो का आपने कॉपीराइट क्लेम रिमूव करना है तो यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन है, उसके बाद कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट क्लेम के ऊपर माउस को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपने सिंपल करना क्या है, सी डिटेल, आपने सी डिटेल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जो सी डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस सा ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं चैनल इम्पैक्ट नो अफेक्टेड, आपके चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके कॉपीराइट क्लेम आने से। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी जो ऐड होते हैं यहाँ पे आपकी जो वीडियो पे ऐड है वो शो नहीं होंगे, इसकी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये बताई है ने। तो उसके बाद आपको मैं ये भी बता देता हूँ कॉपीराइट किस वजह से आया है, कौन से चैनल से आया और कितनी वीडियो पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोनेटाइज इन सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग, तो आपने जो कॉपी किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 सेकंड से लेके 0.26, ये जो मेरी वीडियो है इस पे कॉपीराइट क्लेम इतना आया हुआ है। यहाँ पे नीचे जो आपकी वाइट लाइन शो हो रही है तो यहाँ पे वाइट लाइन या जो भी है इसमें आपका कॉपीराइट आया हुआ है। आपने म्यूजिक कॉपी किया, अगर आपकी 4-5 मिनट की वीडियो होगी तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ आपने करना क्या है, यहाँ पे ये चैनल भी लिखा हुआ है कॉपीराइट ऑनर, कौन से चैनल से कॉपीराइट आया हुआ है, यहाँ पे ये कॉपीराइट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे ये म्यूजिक का चैनल है तो इससे यहाँ पे मेरा कॉपीराइट आया हुआ है। तो आपने कॉपीराइट को रिमूव करना है तो आपने यहाँ पे करना क्या है, सेलेक्ट एक्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रिप्लेस सॉन्ग म्यूट सॉन्ग, तो आप यहाँ पे सॉन्ग को म्यूट करना चाहते हैं तो आप म्यूट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जो ही रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो एक ऑप्शन है तो आपके सामने एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। रिप्लेस सॉन्ग का मैंने पर क्लिक किया है तो अगर आपकी जो वीडियो का टॉपिक होता है वहाँ पे कॉपीराइट आया होता है तो आपने सिंपल वहाँ से इसको रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी वीडियो है यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो जो मेरे वॉइस है यहाँ पे, मतलब जो रिकॉर्डिंग है ऑडियो, उस पर यहाँ पे कॉपीराइट आया हुआ है। यहाँ पे रेड लाइन आपके सामने शो हो रही है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं जो मेरी वीडियो है वीडियो के ऊपर मेरा कॉपीराइट नहीं आया हुआ।
तो यहाँ से देख सकते हैं मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी जो म्यूज़िक है तो यहाँ से मैं इसका म्यूज़िक जो है मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। तो मैं यहाँ से पहले म्यूज़िक को प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद जो भी मुझे पसंद आएगा तो मैं वहाँ से उसी म्यूज़िक को यहाँ पे लगा दूँगा। तो यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कॉपीराइट है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। कॉपीराइट का जो ऑप्शन है आपका यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जिस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका कॉपीराइट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग, तो आपका यहाँ पे जो इसकी रिप्लेस हो गया, सॉन्ग को आपने रिप्लेस किया तो आपका जो क्लेम है वो ख़त्म हो गया है। तो आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ से सेव के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जिस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेगा, और वेट लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कॉपीराइट क्लेम है यहाँ पे रिमूव हो गया है। आप यहाँ से बैक पे जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो वीडियो है जिस पे आपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव किया था, यहाँ पे आपकी थोड़ी देर में ये जो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने शो हो रही है, तो आपके सामने यहाँ पे जो वीडियो है मेरी यहाँ से पब्लिश हो रही है। तो आज आपको मैंने इस वीडियो में ये बताना था कि आप किस तरह कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।